दैनंदिन जीवन में दृश्यमान होता संकटमय नियमित अभ्यास गुड़ी आम मनोनयन करुअे से भूमिका कौन से आम परेश संपर्क कौन तापर कि जाऊँगी आम चारिपटे जहाँ सब खेली रही आम जीवन और कार्यकलाप को प्रभावित करमर परेश आम सुस्थ रहा कतोटी कारण अच्छे से गुड़िक प्रथम कारण सस्टेनेबल फूड चॉइस मैंने सुस्थ भोजन पसंद करने आजिकल आम जो जंक फूड फास्टफुड पिज्जा बर्गर चाउमिन इत्यादि खाऊे अस्वास्थ्यकर खाद्यपर वृद्धि जो आम विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या देखा जाद्वारा आमर मधुमेह उच्च रक्तचाप मेदबहुलता कैंसर अपपुष्टि भहुत दूर रोग सृष्टि यार प्रतिकार आम उपेक्षित शस्य मिलेट फुड बा सुपर फुड बा मांडिया आम समाज में एक बरदान पलटि ताम लोकल ऑर्गेनिक फुड खाइबा प्लांटबेस खाद्य खाइबा ताहले आम सुस्थ रही पारिबा और आम परेश सुस्थ हो पार फास्टफुड खाई आम देह आनी पानी जमा रोग सुस्थ खाद्य खाई सबुदिन रोग 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 सेगुड़िक द्वितीय कारण ट्रांसपोर्टेशन माने परिवहन आम दैनंदिन जीवन में बहुत मात्रा रे जानवाहन व्यवहार करुचे जहाद्वारा से जानवाहन बाहर धुआं आम वायुमंडल में मिशुची एवं आम से ही गैस को निश्वास प्रश्वास माध्यम आम पेट भितर को नहीं था जहाद्वारा ताम पाकस्थल घा सृष्टि कराई थाए जहाद्वारा आम कैंसर रोग से पीड़ित होता से ही रोग को सपिम कस फाइब्रोसिस कहुए यार प्रतिकार आम प्रति घर सिंगल गाड़ी व्यवहार करवा एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करवा एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्यवहार करवा दरकार पड़े पादर चलकर जाए आम सुस्थ रही आम परेश सुस्थ हो पार से गुड़िकार तृतीय कारण प्लास्टिक आम आम दैनंदिन जीवन में बहुत मात्रा में प्लास्टिक व्यवहार करुअे आम ये प्लास्टिक गोटे पेट्रोलियम पदार्थ या अति सहजे मटी में मिशी पारे ना आम थर क्योंठा को परिमाणी गले से आमको यही एक प्लास्टिक जरी में परिमा कर आम थर क्योंठा को होटेल को गले से आमको यही एक प्लास्टिक पलथिन खाद्य धरा दूसरी जहाद्वारा आम से खाद्य को खाई आम से खाद्य को खावा द्वारा आम जापर ना से प्लास्टिक पलथिन लगे छोट छोट टिके टिके प्लास्टिक कौन हो जहाँ आखि को देखा जाए ना आम ताको खाद्य समस्या खाई था जहाद्वारा ताम रक्त संचालन में बाधा सृष्टि कराई थाए एवं आम जो प्लास्टिक व्यवहार करुचे पूर्ण चक्रण हो पारे ना से आम बाहर फिंगी दे था जहाद्वारा ता बहु परिमाण में आवर्जना सृष्टि होता है जहाद्वारा आम पोड़ी दे था पोड़ी देवा द्वारा से जो गैस बाहर डायोक्सिन गैस कहुए से गैस आम वायुमंडल से आम वायुमंडल को दूषित कैसे आम से ही गैस को निश्वास प्रश्वास माध्यम पेट भितर को नहीं था जहाद्वारा आम कैंसर रोग से पीड़ित होता एवं आजिकल आम जो प्राकृतिक छपर न से कृत्रिम छपर शोचे प्लास्टिक छपर शोचे आम शोला बेले से प्लास्टिक छपर लगे छोट छोट टिके टिके प्लास्टिक कौन हो जहाँ माटी को देखा जाए ना आम शोला बेले निश्वास प्रश्वास माध्यम आम पेट भितर को नहीं जाए जहाद्वारा ताम रक्त संचालन में बाधा सृष्टि कराई थाए से ही रोग को लिम्फाटिक रोग बोली कहुए यार प्रतिकार आम प्रति घरे माटी या प्लेट व्यवहार करवा आम प्लास्टिक को व्यवहार करवा ना आम प्लास्टिक पलिथिन बदल अखा बैग व्यवहार करवा आम सुस्थ रही पार और आम परेश सुस्थ हो पार से गुड़िक चतुर्थ कारण वाटर कंजर्वेशन मैंने जल संरक्षण आम आम दैनंदिन जीवन में बहु मात्रा में जल को नष्ट कर आम गोटे टाप्रे हाथ धोचे कि टाप को बंद कर पलैसे जहाद्वारा आमर बहु परिमाण में जल नष्ट आम जदि से ही टाप को व्यवहार नक सेंसर टाप यूज करवा सेंसर टाप कौन सेंसर टाप हो जोटा आम से टाप्रे हाथ धोले भूल बसत टाप को बंद कर पलैब से टाप आपे आपे बंद होता है आम से टाप
ଆପକୁ ସେନ୍ସର ଟ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ସେନ୍ସର ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ପାଣି ବଢ଼ଉଛେ ତାହା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜମିର ଚାରିକଣରେ ଟାଙ୍କି ବସାଇବା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଇ ଟାଙ୍କିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଲା ପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଆମ ଜମିରେ ମଡ଼ାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ, ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଦୁଛି। ମଣିଷକୁ ସତର୍କ କରି ମାଟି କହୁଛି ମୋତେ ଛୁଅ ନା, ବାୟୁ କହୁଛି ମୋତେ ନିଅ ନା, ଜଳ କହୁଛି ମୋତେ ପିଅ ନା। ଆମେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ରଖାଇବା ସହିତ ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ। ଆମ ପ୍ରକୃତିର ବଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର।